सो हेलो एवरीवन, न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। सो फ्रेंड्स, जो कि अभी आपने टाइटल में पढ़ा वो बिल्कुल भी क्लिक वेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कोई क्लिक वेट नहीं करा, मैंने ऐसी कोई हवा में टाइटल नहीं लिख दिया आप लोगों को इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए, मजबूर करने के लिए। तो जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एकदम रियल बात होने वाली है, एकदम सीरियस मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो जो न्यू न्यूज़ निकल के आई है तो उसके ऊपर मैं, उसके बेस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, और न्यूज़ भी एकदम ओरिजिनल है, फेक न्यूज़ नहीं है वो बिल्कुल भी। तो वो सारा टॉपिक है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। और टॉपिक अब आपको पता ही है, पीजी शार्प के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, पीजी शार्प शायद से अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो जल्दी से बैन हो सकता है। नियंटी का नेक्स्ट टारगेट अब पीजी शार्प ही होने वाला है। तो इस टॉपिक को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आपको सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा कि कैसे पीजी शार्प बैन हो सकता है और क्यों हो सकता है, क्या न्यूज़ निकल कर आई है, क्या सीरियस न्यूज़ है ये जिसके ऊपर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अपना अकाउंट सेफ चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को तो स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक प्लीज़ देख लेना। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो आपके हाथ में, आप करना मत करना। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मेजर न्यूज़ है ये, और हर एक जो स्पूफ करता है पीजी शार्प से उस प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको वीडियो आगे पसंद आएगा। न्यूज़ क्या है उसके लिए वीडियो में जुड़े रहना। सो लेट स्टार्ट। तो जो वो मैं न्यूज़ की बात कर रहा था जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो गूगल पर एक आर्टिकल है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो मैं रोज़ अपना अकाउंट जब खोलता हूँ गूगल पे, मेरे को वही न्यूज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक करा, और जिस वेबसाइट की थी वो मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ, यूरो गेमर वेबसाइट है, उन्होंने ये पोस्ट करा था यह पूरा आर्टिकल। और ये वेबसाइट कभी भी कोई फेक न्यूज़ नहीं डालती। मैं भी पुकी ऑन गो के अगर कोई एक्स्ट्रा अपडेट वगैरह कुछ चाहिए होता है तो मैं वो वेबसाइट काफ़ी बार देखा हुआ हूँ कि उस वेबसाइट में क्या क्या न्यूज़ वगैरह आती रहती है। तो ये वाली न्यूज़ भी मैंने ओपन करी और पढ़ी, तो इसके अंदर क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो न्यूज़ में ऐसा था कि पोकेमॉन गो के प्लेयर्स हैं वो बैन हो रहे हैं। तो इसमें आपको कोई न्यू बात नहीं लग रही होगी कि बैन हो रहे हैं उसमें क्या है। तो असली में था ऐसा कि पोकेमॉन गो जो नियंटिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को बैन कर रही थी, और बात इसमें ये थी कि जो स्पूफर्स थे वो तो चलो बैन हो रहे हैं वो ठीक लगता है, नियंटिक तो बैन करती है स्पूफर्स को, पर जो नॉन स्पूफर्स थे वो भी साथ में बैन हो रहे थे। और बैन ये परमानेंट बैन भी नहीं था, ये बैन था 7 डेज़ का। 7 डेज़ का बैन तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये जल्दी से टल जाता है। उसके बाद अगर आप दोबारा स्पूफ करते हो सेफली, तो मैंने भी ऐसे ट्राई कर रखा है, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता अकाउंट पर, नियंटिक को दोबारा पता नहीं चलता। पर जो नॉन स्पूफर्स थे उनको भी 7 डेज़ का बैन मिल रहा था, स्पूफर्स थे उन्हें भी मिल रहा था, तो ये दोनों को मिल रहा था। दोनों जो नॉन स्पूफर्स हैं उनके साथ तो इनजस्टिस हो ही रहा था ये। तो 7 डेज़ थे, सभी ने झेल लिया कि अब तो 7 डेज़ के बाद दोबारा अकाउंट खुलेगा तब खेल लेंगे, या फिर नियंटिक को रिपोर्ट कर लेंगे उसके बाद कि हमने स्पूफ नहीं करा फिर भी हमारा अकाउंट बैन कर दिया। तो पर हुआ ऐसा कि 7 डेज़ जब कंप्लीट हुए उसके बाद जब प्लेयर्स ने अपनी गेम ओपन करी तो फिर भी गेम ओपन नहीं हुई, उस पर 7 डेज़ का वो बैन नोटिस दिखा रहा था। तो ये बैन नोटिस जा ही नहीं रहा था, ऐसे बहुत ज़्यादा हफ्ते निकल चुके हैं पर वो बैन नोटिस दिखा रहा है कि अगले 7 डेज़ में आपका अकाउंट खुलेगा, फिर उसके बाद दोबारा अगले 7 डेज़ में खुलेगा। तो इस तरह का पोकेमॉन गो का हम कह सकते हैं कि ग्लिच हो रहा है। पहले तो पोकेमॉन गो ने स्पूफर्स को भी बैन कर दिया और बैन कर भी दिया तो 7 डेज़ का नोटिस दिखा रहा है, पर बैन ये परमानेंट बैन हो चुका है, किसी का अकाउंट खुल ही नहीं रहा कभी भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू है जो नियंटिक का हमें सामने देखने को मिला है। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि पहले भी एक बारी हो चुका है। आपको पता होगा एंड्रॉयड में तो हम पीजी शार्प यूज़ कर लेते हैं स्पूफ करने के लिए, पर जो iOS डिवाइस होता है उसमें तो पीजी शार्प काम नहीं करता, उसमें काम करता है आईपोगो। तो आईपोगो जब नया नया आया था तब बहुत ज़्यादा यूज़र्स ने उसे यूज़ करा, क्योंकि iOS यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा पोकेमॉन गो के हैं। तो उन्होंने जब ये आईपोगो यूज़ करा तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो जो बैन वेव्स होती है, आपको पता होगा ब्लैक कलर की स्क्रीन पर एक नोटिस देखने को मिलता है डिटेक्टिविटी वाला, वैसा कुछ नोटिस था। तो वो तो हर किसी प्लेयर को देखने को मिल रहा था, क्योंकि आईपोगो इतना कोई सेफ स्पूफर था नहीं, ज़्यादा वो चला भी नहीं, तो वो सभी को नोटिस जब देखने को मिल रहा था। उसके बाद नियंटिक ने एक नया वो मिशन शुरू करा था, उसके अंदर वो सारे iOS यूज़र्स थे उन्हें बैन कर रहे थे। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो iOS स्पूफर्स थे वो भी बैन हो रहे थे, और साथ में जो नॉन स्पूफर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे नॉन यूज़र्स बैन हो रहे थे, और नियंटिक उन्हें बैन कर रहा था, पर उसके अंदर तो 7 डेज बाद वो गेम अपनी ओपन कर पा रहे थे। बाकी इस बारे में तो मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ ज़रूर था। तो अभी भी आईपोगो तो चल ही रहा है, तब ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू निकल के आया था, और नियंटिक ने तब जब आईपोगो को ऐसा अपना टारगेट बनाया था कि हमें आईपोगो को डाउन करना है, तो तब उन्होंने ऐसा मिशन अपना चलाया था,
और उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉन स्पूफर्स और स्पूफर्स दोनों बैन हुए थे। अगर आप अभी देखें तो अभी दोबारा से ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है, अभी जो नॉन स्पूफर्स हैं और जो स्पूफर्स हैं दोनों को बैन देखने को मिल रहा है। और वो कर तो 7 डेज़ का बैन रहे हैं पर ग्लिच के थ्रू वो परमानेंट बैन बन चुका है। तो अब आप देखिए कि मेरे को डिवाइस तो नहीं पता कि अभी जो ये न्यूज़ निकल के आई ये कौन से डिवाइस के यूज़र्स पर हो रही है। अगर एंड्रॉयड पर है तो हालांकि वो आपको पता ही चल रहा होगा कि एंड्रॉयड के अंदर तो हम सिर्फ पीजी शार्प से स्पूफ कर सकते हैं, तो पीजी शार्प ही हो सकता है कि ये जो यूज़र स्पूफ कर रहे थे नियंटिक ने उन्हें टारगेट बनाया और उन एरिया के प्लेयर्स को बैन कर रहे हों, ये चाहे वो स्पूफर है या नॉन स्पूफर। तो इसका आपको ये सीरियसली बात लेनी चाहिए कि हो सकता है पीजी शार्प इन फ्यूचर बहुत जल्द, मैं अगर कहूँ तो बैन हो सकता है नियंटिक का, हो सकता है कि यही टारगेट हो नियंटिक पीजी शार्प को डाउन करने में लगा हुआ हो। बाकी कुछ कन्फर्म तो निकल के नहीं आया कि पीजी शार्प बैन होगा या नहीं होगा, पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ज़्यादा चांसेस मुझे होने के लग रहे हैं क्योंकि आईपोगो का तो होता, अगर डाउन उसके ऊपर न्यूज़ चल रही होती तो आईपोगो का तो पता चल ही जाता है, आईपोगो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता। मैं जिन डिस्कॉर्ड सर्वर्स को देखता हूँ उसमें आईपोगो पर न्यूज़ चलती रहती है, तो आईपोगो में तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ बैन का चल नहीं रहा। तो अगर हो सकता है तो वो पीजी शार्प ही होगा कि ऐसे स्पूफर के साथ जो लोग पीजी शार्प यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसे न्यूज़ देखने को मिली है, उनके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे उनकी आईडी परमानेंट बैन हो रही है। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमें रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। मैं तो फिलहाल गेम इतनी खेलता नहीं, मुश्किल से 5 मिनट पोकेमॉन गो मैं खेलता हूँ, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता। पर अगर आप बहुत ज़्यादा देर खेलते हैं तो आप उसको रिड्यूस करें, अगर स्पूफ करके खेलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ज़्यादा देर स्पूफ करके खेलते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दें। और जो आप शाइनी हंट बहुत ज़्यादा करते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं हर 2 आवर्स के अंदर, तो वो भी आपको बंद कर देना चाहिए। आपको करना चाहिए कि आप एक ही लोकेशन में ज़्यादातर खेलो, उसी के अंदर अगर आपको शाइनी हंट करनी है तो उधर करो। अगर आप लोकेशन ज़्यादा चेंज करोगे तो बैन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अगर नियंटिक का नेक्स्ट टारगेट पीजी शार्प ही है तो हो सकता है आपकी आईडी भी इन फ्यूचर बैन हो जाए। तो ये सारी मैंने आपको न्यूज़ बता दी कि जो ट्रेंडिंग में चल रही थी, वो न्यूज़ जो चल रही थी वो मैंने आपको सारी बता दी कि इसके अंदर हमें क्या सीन देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि पीजी शार्प के ऊपर वो न्यूज़ हो। बाकी कंफर्म तो कुछ पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो मैं आपको पक्का बता ही दूंगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए ये कोई अच्छी बात तो है नहीं अगर आईडी बैन हो जाती है। तो अगले अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू निकल के आया है। आई होप कि जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी न्यूज़ बताई वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।